तो आज की हमारे इस क्लास में हम बात करेंगे वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग की दूसरी क्लासेस की। पहली क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि वीवीएमआई को क्या है, कैसे यूज करते हैं, क्या क्या बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, कब बनाते हैं और बनाने से पहले क्या होना चाहिए। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सेल के फीचर्स रिकॉर्डिंग मैक्रो के बारे में, रिकॉर्ड मैक्रो के बारे में। जैसे कि मैं पिछली क्लास में बताया था कि रिकॉर्ड मैक्रो और मैक्रो दोनों एक ही है। रिकॉर्ड मैक्रो एक फैसिलिटी है जो आपके लिए कुछ मैक्रो कोड कर देता है, और नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग से हम करते हैं वो भी एक तरह का कोड होता है। साथ में हमने ये भी बताया था कि हमें इसके लिमिटेशंस है, डायनेमिक रिपीटेशंस, कंडीशंस, कनेक्टिविटी जैसी चीजें हम रिकॉर्डिंग मैक्रो के साथ नहीं कर सकते हैं। तो आखिर इसका यूज क्या होता है, तो रिकॉर्डिंग मैक्रो समझिए रिकॉर्ड मैक्रो करता है क्या। हमने रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर मान लीजिए हमने क्लिक किया, अब क्या होगा कि हम कुछ भी करेंगे तो हमारा अब जो है उसका कोड जनरेट हो जाए। यहां पे मैक्रो वन नाम दे दिया, एनोटेट किया। अब देखिए यहां पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट, हम कुछ भी करेंगे, जैसे मैंने हमने इस पे क्लिक किया तो A1 सिलेक्ट करने का कोड जनरेट हो गया। इस कोड को आप देख सकते हैं मॉड्यूल्स में जाके, यहां आ गया ना रेंज A1 डॉट सिलेक्ट। तो जो भी इवेंट करेंगे, अब एक काम करता हूं, जाइए मैं इसको छोटा करता हूं ताकि साफ साफ कोड जनरेट होता रहेगा और आप देखते रहेंगे। देख पा रहे हैं, अब देखिए A1 डॉट सिलेक्ट, हमने एप्लीकेशन लैपटॉप विर्थ वगैरह हटा बनाया है, सब बन रहा है ना यहाँ पे। तो जो भी इवेंट करेंगे वो सारा कोड जनरेट होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ हम नेम लिखते हैं और टैब प्रेस करते हैं, देखिए ठीक है, एक्टिव चिल्ड्रन फॉर्मूला R1 C1 equal to name V1 dot select roll marks। तो अपने आप जो भी हम इवेंट करते हैं अपने आप कोड जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब इस पे सिलेक्ट करके मान लीजिए मैंने कलर अप्लाई किया यहां पे, तो कलर अप्लाई करने का भी कोड आ गया। हमने मान लीजिए इसको बोल्ड किया तो बोल्ड का भी कोड आ गया, अंडरलाइन किया अंडरलाइन कोड आ गया। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो जो भी आप इवेंट करते हैं उसका एक उसकी कोडिंग खुद बखुद करते जाता है, अन्यथा आपको खुद से कोडिंग करना होगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि जो हमने पहले बताया कि ये मैक्रो पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है कि आप सिर्फ रिकॉर्डिंग मैक्रो से ही मैक्रो यूज कर लें, क्योंकि इसमें डायनेमिक रिपीटेशंस, कंडीशंस, कनेक्टिविटी, बहुत सारे फीचर्स एप्लीकेबल नहीं होते। तो आखिर इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका दो बेनिफिट है। एक है लर्निंग, लर्निंग में एक डिक्शनरी का काम करेगा आपका। जैसे मान लीजिए कि आपको नहीं पता कि बोल्ड का कलर क्या होता है, बोल्ड का कोड क्या होता है, क्या देख रहे हैं ना बोल्ड आ दिख गया ना। अब आपको पता करना है, आपको जैसे मान लीजिए पता करना है कि हमें कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल कोड क्या है। तो आपने क्या किया, मैक्रो को रिकॉर्ड कर लिया, आपने कॉपी किया दूसरे जगह पे गए, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और आपने मान लीजिए कि वैल्यू कर दी। तो देखिए कॉपी करने का कोड है कि A2 से 6 टाइप को सिलेक्ट किया, उसको कॉपी किया E2 में गया सिलेक्शन डॉट पेस्ट स्पेशल दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि आपको पेस्ट स्पेशल करने आ गया। तो पेस्ट स्पेशल कोड आपको पता चल गया, ऐसी आपको फिल्टर, ऐसी आपका पीवर्ड, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कुछ ऐसा कोड की जरूरत पड़ी
उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सारी चीज याद थोड़ी रहेगा आपको सर। ओके जो टर्मिनोलॉजी है VBA की वो तो चलो आप याद कर लोगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेंज क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिटेल्स क्या होते हैं, रेंज डिटेल्स क्या होता है, रेंज कब लगता है, सिलेक्शन कब लगता है, एक्टिव सेल कब लगता है, शीट्स कब लगता है, शीट वन शीट टू कब लगता है, ये चीज तो इसके कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को आप याद कर लें। लेकिन आपको पेस्ट स्पेशल का कोड क्या है, कंडीशन फॉर्मेटिंग का कोड क्या है, फिल्टर का कोड क्या है, आपको डेटा एवेल्युएशन का कोड क्या है, उनको तो याद करना पड़ेगा ना आपको, क्या सर? ओके जैसे कि आपने यहां पे अभी देखा कि पेस्ट, हमने सिलेक्शन डॉट पेस्ट स्पेशल क्या करना है, पेस्ट वैल्यू करनी है, ऑपरेशन में नन रखना है, ट्रांसपोज को फॉल्स करना है, स्किप ब्लैक को ट्रू करना है, राइट? तो इसमें आपको क्या करना है, सुजीत जी, जैसे ये आपने अभी कोड, ये ऑटोमेटिकली कोड जो आया है अभी रिकॉर्डिंग मैक्रो से, तो जैसे इसके बाद लिखा हो ना उसने एक्सेल पेस्ट वैल्यू और साइड में ऑपरेशंस लिखा है, क्या लिखा है? ऑपरेशंस लिखा। हाँ, अगर आप लिखते हो कोड बट वहां पे आप नहीं लिखते ऐसे, नहीं? नहीं, हमने आपको कल समझाया था ना, जब हम कोड करते हैं तो अपने हिसाब से लैंग्वेज लिखते हैं, तो ऑफिस लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं। ओके ओके ठीक है, मैंने बताया था ना एक लीव वाली बात समझाई थी लास्ट क्लास। तो ये आखिर हमें पता चल जाएगा पेस्ट स्पेशल के लिए इस तरह से चीजें लिखते हैं, अब इसमें क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है ये तो जब कोड आपको समझाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यूज बता रहे हैं कि इसको एज ए डिक्शनरी यूज कर सकते हैं कि कौन से कमांड के लिए कौन सा कोड होगा, क्या लिखेंगे कोड, अगर आप भूल जाते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है, हेलो, हाँ जी ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए कि मैं VBA में परफेक्ट हो गया तब क्या रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज नहीं होगा? जैसे मैं VBA प्रोग्रामिंग को जानता हूं तो क्या मैं रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज नहीं करूंगा? जी हाँ करूंगा। क्यों करूंगा? चलिए एक सवाल आपके सामने, एक प्रोजेक्ट के थ्रू भी सवाल का जवाब हम देते हैं। ओके, तो मेरे पास एक डेटा है जो आके आप देख रहे हैं, एक नई सीट पर रखता हूं। तो मुझे क्या होता है कि हर बार मुझसे फोन आता है, बोलता है कि जैसे माने मोहन ने फोन किया, बोला कि मुझे मेरा डेटा नील कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं कि फिल्टर लगाते हैं, मोहन को सिलेक्ट करते हैं और मोहन को मोहन का डेटा अलग सीट में अलग फाइल में निकाल के भेज देते हैं। अब मैं इसके लिए VBA प्रोग्रामिंग लगाना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं रिकॉर्ड एक कोड कर सकता हूं, लेकिन मैं कोड ना करके रिकॉर्ड करूंगा। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं इसके लास्ट में आपको समझाऊंगा, आप देखते रहिए किस तरीके से हम रिकॉर्ड करके बेनिफिट उठाते हैं। तो हम रिकॉर्डिंग यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस पे क्लिक किया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, हमने इसको सिलेक्ट किया डेटा, हमने फिल्टर लगाया, हमने मान लीजिए अमर को सिलेक्ट किया। सिलेक्शन को लिए हमेशा जो है रिकॉर्डिंग में जो सिलेक्शन कीजिएगा हमेशा कीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो, माउस से सिलेक्शन मत कीजिए। माउस सिलेक्शन करेंगे तो एक रेंज सिलेक्ट हो जाएगा, बाद में अगर रेंज घटेगा बढ़ेगा तो सिलेक्शन नहीं घटाएगा, नहीं घटाएगा बढ़ाएगा, इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेगा। और जब भी आप फिल्टर के डेटा को कॉपी करें तो आप यहाँ पे सिलेक्शन पे जाएं और यहाँ विजुअल सेल्स ओनली को सिलेक्ट करें, विजुअल सेल्स ओनली एंड ओके। फिर इसको हमने कॉपी किया, नया शीट ऐड किया और उस पे इसको हमने पेस्ट कर और इसका नाम हमने रख दिया अमर। फिर इस शीट को हम मूव करेंगे एक नई फाइल में,
यहाँ से न्यू वर्कबुक सिलेक्ट करके मूव कर दें और फिर इस फाइल को हम सेव कर दें अमर के नाम से एक्सेल फाइल एक्सेल वर्कबुक मान लीजिए डॉक्यूमेंट इसको क्लोज कर और सीट वन कर और फिर इसको अनचेक कर और फिर विजुअल बेसिक पे आता हूं और इसके कोड को देखता हूं यहां पे कोड बनाया तो देखिए कोड को समझते हैं एक बार कि पहले हमने रेंज वन पे क्लिक किया था फिर हमने फिल्टर अप्लाई किया तो फिल्टर अप्लाई किया तो यहाँ भी फिल्टर अप्लाई या तो फिल्टर है इस फिल्टर की जरूरत नहीं इसको हमने डिलीट कर रेंज वन सिलेक्ट किया हमने कंट्रोल शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया जितना डेटा विजुअल था वो हमारा सिलेक्ट हो गया इन तीन लाइन से फिर कॉपी किया एक नई सीट पे एड किया उस सीट में डेटा को पेस्ट कर दिया अब यहाँ पे दिख रहा है सीट फोर अब यही पे दिक्कत है तो रिकॉर्डिंग मैक्रो में देखना होता है क्योंकि रिकॉर्ड करने के बाद सारे मैक्रो वर्क नहीं करते हैं जैसे यहाँ पे देखिए मैक्रो वर्क नहीं कर रहा ना करने के पीछे रीजन क्या है कि इसने सीट फोर को ऐड किया अब सेकेंड टाइम जो रन करेंगे तो सीट फोर ऐड थोड़ी होगा सीट फाइव होगा सीट सिक्स होगा क्या सर okay. लेकिन ऊपर देखिए सर एक्टिव सीट ले रखा है तो हम जहां सीट फोर था उसके जगह पे एक्टिव सीट दे रखते हैं एक्टिविटी डॉट मूव इसको सेव एज करते हैं एक पर्टिकुलर फाइल में क्लोज करते हैं सीट वन को सिलेक्ट करते हैं हाँ अब मेरा परफेक्टली फाइल वर्क करेगा लेकिन ये हमेशा अमर का ही यूज करेगा समझ गए तो हम चाहते हैं कि नहीं मैं जो चाहूं वो करे तो हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इसमें हम यहाँ पे n इक्वल टू इनपुट बॉक्स अब यहाँ पे n क्या है तो आपने देखा होगा बहुत सारे कोड में dim r as integer long string देता है वो तो वेरिएबल्स होते हैं ना जैसे मैथमेटिक्स में आप x y z ले लेते हैं ना सेम यहाँ पे यूज होता है कि हमने n ले लिया और इनपुट बॉक्स ले लिया कि जब मैक्रो रन होगा तो मुझसे नेम पूछेगा हम उस पर नेम एंट्री करेंगे और नेम हमारा एन पे स्टोर हो जाएगा और जहां जहां नेम चाहिए जैसे अमर था वहां वहां हम एन कर देते हैं इन्वर्टर को वहां नहीं करेंगे क्योंकि एन जो है वो वेरिएबल्स है अब यहां भी मुझे करना है लेकिन इसके साथ तोड़ना पड़ेगा हमें कंबाइन करना पड़ेगा क्योंकि एन वेरिएबल है कोई एक्स नहीं है तो हमने अपना मैक्रो बना लिया अब देखिए क्या होगा कि जब भी मैं अपने इस रिकॉर्ड की गई मैक्रो को रन करूंगा मुझसे पूछेगा एंटर नेम कि किसका डेटा चाहिए हमने बोला उदय का डेटा चाहिए उदय को हमने एंट्री किया एंड ओके किया तो उदय का डेटा को कॉपी करके पेस्ट करके आप देखेंगे कि माय डॉक्यूमेंट के अंदर में इसने उदय डाल दिया इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको उदय का डेटा ही पाएंगे ठीक है अब क्वेश्चन पे आते हैं कि हमने रिकॉर्ड मैक्रो क्यों किया करने के पीछे रीजन ये था कि मैं रिकॉर्डिंग ना करता तो सारा एंट्री करना पड़ता टाइप करना पड़ता रिकॉर्ड करने के बाद क्या हुआ कि हम टाइपिंग से बच गए बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और थोड़ी सी एडिशन हमने कर ली एक लाइन ऐड करी और कुछ लाइन को डिलीट कर दिया हमारा मैक्रो रेडी है तो जी आपने सर एन लगाया है ये तो इस एन इज अ काइंड ऑफ आप वेरिएबल कर रहे हो ये इसको वेरिएबल कर हां वेरिएबल हमने डिफाइन नहीं किया है बगैर डिफाइन किए भी डाल सकते हैं बगैर डिफाइन किए जो डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट वेरिएंट हो जाता है ओके वेरिएबल है जैसे कि इसने क्या किया कि n नाम का एक टेम्पररी सेविंग लोकेशन जो है स्टोर कर दिया सिस्टम में जिसके ऊपर इनपुट बॉक्स से ली गई डेटा को होल्ड कर दिया
अब मुझे जहां जहां इनपुट बॉक्स से लिखे डेटा को चाहिए हम यहाँ पे एन ले लें। एन लेने के पीछे ये था कि इस एन को मुझे तीन जगह पे यूज करना था, अगर हम एन ना लेते तो इनपुट बॉक्स मुझे तीन जगह पे डालने पड़ते और जब यूजर रन करता तो तीन बार नाम पूछता। ओके, इसलिए यहाँ पे एक ही बार पूछ रहा है और बाकी तीन जगह पे सप्लाई हो रही है। ओके, तो आपने जो ये वेरिएबल था जो पहले ही डिक्लेयर कर दिया, सो इसीलिए आप जस्ट एन का ही यूज कर रहे हो, बिकॉज एन इज अ वेरिएबल इक्वल्स टू एंटर नेम। जी जी, बात समझ गए? हाँ। अब ये चीज आप देखिए, अब इस कोड को पढ़िए, अब इस कोड को पढ़ने से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई प्रोग्रामिंग कोड पढ़ रहे हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह वर्क करेगा। और इमेजिन कीजिए, आपने सबसे पहले इनपुट बॉक्स यूज किया एन फिल स्टोर का, मतलब कि आपसे नाम पूछेगा, फिर ए रेंज ए वन को सिलेक्ट करेगा, फिर उस सिलेक्ट की गई सीट पे, अब यहां पे देखिए क्या है, रेंज ए वन से एफ के 46 है ना, मतलब कि आपका डेटा जितना था उतने डेटा पे फिल्टर लगाया। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर में डेटा हमारा बढ़ सकता है या घट सकता है, बट फिल्टर तो के 56 तक लगा। अब इसको ऑटोमेट करना है, अब ऑटोमेट करने के लिए बहुत सारे चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं, जो हमने आपने देखा होगा, जब मैंने फिल्टर लगाया था तो हमने कोई सिलेक्शन नहीं किया, उसने ऑटोमेटिक डेटा को सिलेक्ट करके फिल्टर लगा दिया। तो जो अगर नॉर्मल है तो डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है विदाउट वीवीए बना ले, तो वीवीए में भी हमें डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? नहीं, मुझे तो लगता था कि जो आप करते हो ना कि रोज डाउट काउंट एक्सेल अप और डाउन, उसके लिए हमें डेटा सेलेक्ट करना पड़ता है कि अगर अभी जैसे आपने बोला कि अगर ये डेटा कम हो गया और अगर ये डेटा बढ़ गया, होता है कैच नहीं होता है, जब आप पिवट लगाते हैं या फिल्टर लगाते हैं या सॉर्टिंग लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली बैकएंड में क्या करता है, यहां गो टू स्पेशल करेंट रीजन चल जाता है, कंट्रोल ए चल जाता है। ओके, तो अगर मैं कोड के अंदर में जस्ट ए वन सेलेक्ट कर दूं तो जब वो यहाँ पे जब वो फिल्टर अप्लाई करेगा ना, यहीं से फिल्टर अप्लाई करेगा ना सर, वो फिल्टर अप्लाई करेगा, वो फिल्टर ऑटोमेटिकली कंट्रोल ए रन कर देगा। बीवी का फीचर नहीं है, एक्सेल का फीचर है, बीवी जो उसको ट्रिगर कर रहा है, समझ गए? बाकी ऑटोमेटिकली सिलेक्शन की बात रहेगी तो कॉपी वगैरह में उसकी जरूरत पड़ती है, तो आगे क्लासेस में समझाऊंगा मैं। Okay. फिलहाल मैं आपको कोड नहीं समझा रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग मैक्रो का हम कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। एक्सप्लेनेशन दी कि हम उसको एज ए डिक्शनरी के तरह यूज करेंगे लर्निंग पीरियड में, आफ्टर लर्निंग पीरियड में हम कोड प्रोग्राम करने से बचेंगे, हम बीवीए रिकॉर्डिंग मैक्रो के जरिए प्रोग्राम करवा देंगे, जो लाइन्स बीवीए प्रोग्रामिंग नहीं लिख पाएगा, मतलब जो लाइंस रिकॉर्डिंग मैक्रो नहीं लिख पाएगा या गलत लिखेगा, जैसे कि यहाँ पे देखा रिकॉर्डिंग मैक्रो इसको नहीं लिख पाता, तो हमने वो चीज को ऐड कर लिया, जो गलत लिखा है या मेरे अकॉर्डिंग नहीं लिखा है उसको हमने मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पे हमने उसको डायनेमिक कर दिया और हमारा मैक्रो तैयार हो गया, समझ गए? गैरी जी, हाँ जी, समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो का बेसिक यूज यही होता है, क्योंकि इसके बाद मैं रिकॉर्डिंग मैक्रो जिक्र नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपको दूसरी क्लास में इसको समझाया। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि वीवीए टर्मिनोलॉजी पढ़ना तो है, अब मान लीजिए ना कि कोई आपसे इंग्लिश सीखने के लिए आए और डायरेक्ट उसको आप टेंस वर्ब एडवर्ब सिखाने लगे तो उसको समझ में कुछ नहीं आएगा ना। हाँ नहीं, ये बात तो सही है, तभी मैंने दिमाग में क्वेश्चन चला था। मैंने अभी आपको रिकॉर्डिंग मैक्रो का यूज बता दिया, इसलिए बताया क्योंकि अभी आगे आपको जैसे कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें वर्ड मीनिंग याद करनी होती है ना, जैसे आप हिंदी टू इंग्लिश हम सीख रहे हैं तो कौन से शब्द को हिंदी के शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपने हम क्या करेंगे आगे चल के ट्रांसलेट ही तो करेंगे, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ मेरे दिमाग में हिंदी में आएगा, हम आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलेंगे क्योंकि मेरी मदर टंग हिंदी है, अब मुझे आपसे इंग्लिश में बात करनी है तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा, ट्रांसलेटर ही तो चलेगा, सही है।
क्या कह रही जी? सही है, बिल्कुल सही है। जैसे कोई अगर मान लीजिए कोई ब्रिटिश है या कोई अमेरिकन है, अगर वो हिंदी बोलेगा तो अपने दिमाग में क्या करेगा, तो अपने इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। तो हमें उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, टेंस, एडवर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच से पहले जरूरत क्या है, वर्ड मीनिंग ना। किस वर्ड का क्या मीनिंग है, हिंदी या इंग्लिश में किस वर्ड को क्या कहते हैं, तभी तो हम पार्ट ऑफ स्पीच बना पाएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच बनेगा तभी तो सेंटेंस बनेगा, जब सेंटेंस बनेगा तभी तो एप्लीकेबल होगा आपका ट्रांसलेट जो भी ये है ग्रामर है उसके, ग्रामर्स के रूल्स। सो सबसे पहले जरूरत पड़ती है वर्ड मीनिंग, तो एच ए डिक्शनरी की तरह यूज करेगा। तो अब आपको क्या करना है, टाइम निकाल के, हाँ आपको टाइम की किल्लत है फिर भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकाल के आपको बस ये पता करना है कि कौन से चीज के लिए क्या कोड अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए मुझे इसको मर्ज एरिया को मर्ज करना है, तो मर्ज करने का कोड क्या होता है, तो आप रिकॉर्ड करोगे और मर्ज पे क्लिक करो। अब मर्ज करने का कोड जाना आपने, तो आप जाहिर सी बात है अनमर्ज करने का कोड जानेंगे, वापस इसको अनमर्ज करेंगे। अब इसकी प्रोग्रामिंग को यहां इसमें माइक्रोज में एडिट में जाके आप देखेंगे कि मर्ज करने के क्या है। अब देखिए रिकॉर्डिंग माइक्रो में यहाँ पे बहुत सारी चीज आ रहा है ना, इसमें से अपना काम का चीज ढूंढना है, सिलेक्शन डॉट मर्ज, ठीक है ना। ये चीजें जो है ये चीजें काम की नहीं है, इस बता दीजिए आपको मर्ज से मतलब है ना। सिलेक्शन डॉट मर्ज, सिलेक्शन डॉट अनमर्ज, अब इसको एक बार इसको रन करके ट्राई कर लीजिए कि क्या है, सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब दो लाइन में उसमें से इसमें से एक लाइन में एक बार में करना है, इसके आगे आप सिंगल कोड लगा दीजिए डेड हो जाएगा। रन किया देखिए मर्ज हो गया, अब मुझे इसको डेड करना है, तो दो चीज सीख गए आप, मर्ज करना अनमर्ज करना सीख गए क्या। हेलो, हाँ जी। तो इसी तरीके से आपको बाकी फीचर्स को भी करना है, जरूरी नहीं है कि आज ही के दिन आपको कर देना है, लेकिन साथ साथ क्लास चलता रहेगा और डेली 10-15 कमांड आपको इसी तरीके से समझ दें, जिसकी आपको समझ में आ गई ठीक है, जिसकी कोड समझ में ना आई और मुझसे आप क्लासेस में पूछते रहे, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आपने फाइल मेन्यू स्टार्ट किया, तो फाइल मेन्यू में न्यू को, ओपन को, सेव को, सेव एज को, प्रिंट को देखा आपने, तो इसमें आपको लगा कि प्रिंट का कमांड आपका समझ में नहीं आया, आप उसको नोट कर लेंगे, अगले दिन पूछेंगे सर प्रिंट समझा। ऐसे आपको होम मेन्यू बार, ऐसे इंसर्ट, ऐसे फेस लेआउट, फॉर्मूला, व्यू, ये साथ साथ चलता है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग जो आप लिखेंगे, जैसे आप इस देख लीजिए अभी जो प्रोग्रामिंग टाइप हुई है, इसने क्या किया, एक्सेल के फीचर को ही तो ट्रिगर किया है इसने, ऐसा तो नहीं है कि वीवीए कोई अपना फीचर्स था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वीवीए का कमांड का, कौन सा एक्सेल कमांड का वीवीए में क्या कोड है, और इसमें आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा रिकॉर्डिंग में, ठीक है सर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? और इसमें एक बात और आएगी कि जब इसकी कोड देखना है आपको, तो सबसे पहले उसको अप्लाई करने भी तो आना चाहिए, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कोड आपका जानना है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग करता क्या है, कैसे अप्लाई होता है, क्या कह रही जी? सही बात है। तो इसी के लिए मैंने आपको वो जो 5 hours की रिकॉर्डिंग भेजी थी, इसलिए भेजी थी ताकि आप उसको जान ले, ताकि उसकी कोड को आप जान सके। okay. उसमें मोस्टली सारे कमांड मैंने दिए हुए, okay. ठीक है, तो उसको ट्राई करके देख लीजिएगा। और आगे आपको क्या ट्राई करना है,
आप कुछ रिकॉर्डिंग्स मैक्रो को भी ट्राई कीजिएगा, रिकॉर्ड करके देखिएगा, कुछ मैक्रो बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ठीक है, जहाँ दिक्कत होगा, अगर छोटी मोटी दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, बड़ी दिक्कत होगा तो मुझे कॉल करें, ठीक है? ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय, ओके ओके बाय.